अपना से डायरेक्ट आएगा ना, हाँ हाँ 150 लेगा हम। जब कोई लेके आएगा तो ये तो आपको देना पड़ेगा ना। हाँ ड्राइवर का तो एक कमीशन चार्जेस रहता है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवलर इरशाद देसी। और आज के वीडियो में आप देखोगे अब शिलोंग पे कहाँ रह सकते हैं। मैं शिलोंग के दो होटल दिखाऊंगी, दो होटल में मैं रिव्यू करूंगी, कंपेयर करूंगी बजट के तौर से या लोकेशन के तौर से या कैसा रूम है वो आप देखोगे। उसके बाद आप खुद डिसाइड करना आपको कहाँ रहना है। आप मॉर्निंग पे ये देखिए हाईलैंड पोस्ट, ये मेघालय के शिलांग के न्यूज़पेपर है। तो फर्स्ट में हम पुलिस बाजार में मार्केट एरिया में थे फर्स्ट दिन। वहाँ रेट थोड़ा ज़्यादा है और पर वो मार्केट के बगल में है। और फिर हम ISPT जो बस स्टैंड है शिलांग के वहाँ पे रहे हैं और वहाँ पे रेट थोड़ा कम है पर वहाँ आप अच्छी माहौल है तो आप रह सकते हैं। चलिए देखते हैं। यह है होटल जेके इंटरनेशनल, ये है बिल्कुल पुलिस बाजार के ऊपर। ये पुलिस बाजार के जेल रोड पे है MTC बिल्डिंग के बगल में। और यहाँ रूम के लिए आपको पर नाइट देना होगा 2500, यानी कि रुपीज़ 2500। ये बिल्कुल मार्केट के ऊपर है, या रूम से निकलते ही आपको मार्केट एरिया पूरे देखेंगे, खाने पीने के लिए, शॉपिंग के लिए सब कुछ। ये पुलिस बाजार के ऊपर है। ये हमारा रूम है, रूम नंबर 303। चलिए अंदर चलते हैं। तो ये है रूम, ये एक छोटा सा रूम है, वेल फर्निश्ड है और नीट एंड क्लीन भी है। ये एक डबल बेड रूम है और यह मिरर है, टीवी है, वार्डरोब भी है और बाथरूम भी नीट एंड क्लीन ही है। पर यह आपको देना होगा 2500। तो यह हम एक ही दिन थे। और ये देखिए, ये है होटल रेडिंगटन रेस्टोरेंट। ये है शिलोंग के ISPT बस स्टैंड के बिल्कुल बगल में। यहाँ से आप बस पकड़ के गुवाहाटी भी जा सकते हैं, गुवाहाटी से आ सकते हैं। और यहाँ टैक्सी स्टैंड भी है, यहाँ से टैक्सी पकड़ के आप पूरे शिलोंग घूम सकते हैं या कहीं और भी साइट सीइंग के लिए जा सकते हैं। तो चलिए हम अंदर जाते हैं। तो यहाँ बोल रहे हमारे डबल बेडरूम के लिए पर नाइट पड़ेगा 1500 रुपये। अब चलिए बात करते और डायरेक्ट आपके पास आने से तो कम पड़ेगा ना, सस्ता। डायरेक्ट आएगा तो ऐसा हम 60,000 लेगा। ठीक। और वो जो मान लीजिए गाड़ी का घुमाने का, वो तो आपके पास रेडी है ना, जो आके घूमेगा चिरापुंजी और आपका ये डाउकी। ये भी हॉल है, हॉल रूम है। ये तो ऐसा एक आदमी 150 लेगा हम। ऐसा कितना बटस भी दिएगा ऐसा ये भी होगा थोड़ा। ये हॉल में तो तकरीबन 15-20 आदमी तो ये हो जाएगा ना। ऐसा तो जो
अपन ऐसे डायरेक्ट आएगा ना 150 लेगा हम, जब कोई लेके आएगा तो ये तो आपको देना पड़ेगा ना। हाँ, ड्राइवर का तो एक कमीशन चार्जेस रहता है। ये भी अच्छा है, कभी कभी आसाम से आएगा ना, दो तीन फैमिली ऐसा, कभी कभी 20 आदमी भी है, क्योंकि बड़ा बड़ा तो इधर सुहा खाना जाने का सब कुछ तो आप ये रहता है रेस्टोरेंट में, तो खाना जाने का सब कुछ रहता है। सबसे नजदीक कौन सा स्पॉट है? हम तो घूम लिए पर कौन सा सबसे नजदीक पड़ता है? आज सुबह उम्मीद हम लोग गए थे तो वहाँ हम लोग नजदीक है, और कौन सा नजदीक है? नजदीक जाना पड़ेगा पूरा सेंटर पुलिस बाजार में, तो 8 किलोमीटर। हाँ, अब जब इधर है तो टाइम पास ये पैदल चले भी होते हैं। हाँ, पैदल घूम रहे अभी सुबह। हाँ, सुबह मैं तो ये बिल्डिंग में, मैं आपका तीन वो बिल्डिंग है तो तीन है, दो ये वाला और ये और ये, मेरा इधर भी हॉल है। हॉल है, आपका नाम पूछो। आपका नाम बोल दीजिए ताकि ये सब आपको ढूंढने में तकलीफ ना हो। नीना मरवे। मीना मरवे। नीना। और आपका ये होटल का नाम क्या है? रिडिंगटन रेस्टोरेंट। रिडिंगटन रेस्टोरेंट कम होटल। तो ये देखिए, ये हमारा रूम है, ये बहुत ही अच्छी रूम है, नीट एंड क्लीन तो है ही, वेल फर्निश्ड भी है, बेड बहुत ही बड़ा है, और ये पूरे इसका माहौल आपको घर की तरह लगेगा। देखिए, ये हमें पर नाइट ₹1500 देना है, यानी कि 1500 रुपये, और यहाँ के ओनर जो बात कर रहे थे आप लोगों से, ये वो उन्होंने बोल रहे थे कि अगर ग्रुप पे आएंगे तो जो हॉल रूम जो दिखाए वहाँ पे आप 150 रुपये में भी रह सकते हैं पर हेड। तो यहाँ बहुत ही कम रेट है, पर ये मार्केट एरिया से थोड़ा दूर है। और ये देखिए, यहाँ आपको ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब कुछ मिलेगा। यहाँ पे पूरी सब्जी और हम लिए थे ब्रेड ऑमलेट लिए थे, तो सब मिला के 120 रुपये, यानी कि ₹120 पड़ा है। और यहाँ पे एक थाली मिलते हैं ₹150 में, रोटी मिलते हैं 10 रुपये में, चिकन करी है ₹260, और बिस्किट वगैरह वाटर सब कुछ मिलते हैं यहाँ पे। और यह आसपास भी बहुत ही सुनसान सा है, आपको यहाँ रह के शांति मिलेगी, तो माहौल अच्छा ही है। और यहाँ से कार पकड़ने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बस में बस स्टैंड है, वह टैक्सी भी मिलते हैं, सब कुछ मिलते हैं। अभी मैं ये होटल के टेरेस पे आ गई हूँ, ये होटल के लोग बहुत अच्छे हैं, तो बोले कि ऊपर जाओ तो ऊपर से बहुत अच्छा व्यू आएगा। तो हाँ, यहाँ बहुत दूर तक दिखाई दे रही है, ये देखिए पीछे तो पूरा फॉरेस्ट है, बहुत सारी पेड़ है, जंगल दिख रहा है, और इधर लोगों की हाउसेस है, हाउस कॉम्प्लेक्स है इधर पूरा, वो दूर तक भी लोग रहते हैं। और इधर रास्ते हैं, यहाँ तक पेट्रोल पंप है, यह पेट्रोल पंप इस रास्ते से नज़दीकी नज़दीक पेट्रोल पंप देखे 300 मीटर से, बहुत बड़ा है। और ये देखिए सामने से रास्ते आ रहे, उधर आप जाएंगे तो आपको गुवाहाटी जाना है तो भी इधर से जाना है, उमियम लेक जाना है तो भी इधर से जाना है, और इधर आपको वो ISBT का जो बस स्टैंड है वो इधर थोड़ा चलना है, बस 1-2 मिनट पैदल चलने से बस स्टैंड मिल जाएगा आपको। इधर नज़दीक और कुछ देखने को नहीं है,
पर यहाँ से आप टैक्सी और बस बहुत अवेलेबल है क्योंकि यहाँ ही बस स्टैंड टैक्सी स्टैंड है, तो गाड़ी आपको यहाँ से ही मिल जाएगी। और खाने के लिए कुछ रेस्टोरेंट्स है, ज़्यादा नहीं है पर है, तब यहाँ भी रह सकते हैं। उधर चल के दिखाती हूँ। और ये देखिए ये गुआभा, यहाँ के मेघालय के गुआभा है, ऐसे दिखते हैं। ये लाल गुआभा बोले है इसके अंदर है, यो या होटल जिनके होटल है उन्होंने दिए हैं मुझे, वो अपने पैर से दिए हैं। तो ये भी अच्छा ही हुआ, फ्रूट्स का देखा तो दुकान भी नहीं दिख रहे, तो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स मिल गए। और इस तरफ देखिए कितनी पूरी जंगल है, बहुत सारी पेड़ है। रात में इधर पूरा ये जंगल की तरफ पूरा अंधेरा रहता है, अभी तो सब दिख रहे। टेरेस पे मैं सिर्फ मैं ही आई हूँ, कोई नहीं दिखा है देख रहे, पर टूरिस्ट बहुत है, पूरे फूल है ये रूम होटल। चलते नीचे चलते। अभी लंच के लिए हम दो चिकन राइस लिए हैं, चिकन थाली देखिए ये ₹180 करके है पर प्लेट, देखिए कितने खूबसूरत से सजाए हुए दिए हैं। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को भी दबा दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। अब ये भी हमें लिखिए आपको कहाँ रहना पसंद आए। और हाँ देखिए ये और भी बाहर पे भी और भी होटल और होम स्टे है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम होटल के एड्रेस और फ़ोन नंबर सब कुछ दे देंगे, आप चेक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।